जब बात आती है गुजरात के खाने की तो अक्सर लोगों के दिमाग में वही कुछ नाम जैसे कि ढोकला, फाफड़ा और खाकरा ही आते हैं। पर असल में तो गुजराती क्विजीन काफी अलग अलग डिशेस से बनी है, जिसमें से एक है पानखी, जिसे अक्सर एक लाइट स्नैक के तौर पर खाया जाता है। मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, इसीलिए आज हम आपको लेकर आए हैं ये दिखाने कि आखिर पानखी बनती कैसे है। इसकी शुरुआत होती है चावल के आटे से बने इस बैटर को ऐसे केले के पत्ते पर फैलाकर। वैसे तो पानखी कई अलग अलग तरीकों से बन सकती है, पर ट्रेडिशनली इसे केवल चावल के आटे से ही बनाया जाता है। साथ ही इस बैटर में पड़ता है थोड़ा सा नमक, कुछ मसाले और राई। अब क्योंकि यहाँ पे हम पेरी पेरी पानखी बना रहे हैं, इसीलिए अब इसमें थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला मिलाकर इसे दोबारा से स्प्रेड किया जाएगा और पत्ते के बिल्कुल एंड तक फैला दिया जाएगा। बारी है अब इसे ऊपर से भी केले के पत्ते से ढकने की और तवे पर ऐसे ही डाल देने की। हो सकता है कि आपके मन में एक सवाल आए कि इसे ऐसे केले के पत्ते पर स्प्रेड करके फिर तवे पर क्यों डालते हैं, सीधा तवे पर ही क्यों नहीं फैला देते। अरे यार, डोसा थोड़ी ना बनाना है। पानखी के बैटर को अगर सीधा तवे पर डाल दिया तो वो सिक कर करारी हो जाएगी। केले का पत्ता इसे तवे पर चिपकने से रोकता है और पानखी को मुलायम रखता है। तवे से होती हुई गर्मी केले के पत्ते को भी गर्म करती है और पानखी के बैटर को केवल अंदर से पकाती है, बाहर से जलने नहीं देती। और ये सॉफ्ट टेक्सचर और लाइटनेस ही तो पानखी की खासियत है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पानखी को कई तरह से बनाया जा सकता है, पहले बनने वाली पानखी थी पेरी पेरी पानखी और अब तैयार होगी चीज पानखी। प्रोसीजर सेम है, बस अंदर थोड़ा सा चीज डल जाएगा। अब अगले 4 से 5 मिनट तक दोनों तरफ से पानखी को ऐसे ही सेका जाएगा। जरा देखिए केले के पत्ते कैसे जलने लगे हैं, पर फिकर नॉट, अंदर पानखी अभी भी मुलायम और स्वादिष्ट बनी हुई है। तो लीजिए, हमारी पानखी तो तैयार है, अब बारी है इसे प्लेट करने की। अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ साथ पानखी को अंदर से गर्म रखने के लिए इसे ऐसे पत्तों के अंदर ही सर्व किया जाता है और साथ ही दी जाती है पुदीने, हरी मिर्च और धनिए की चटनी। अब क्या, अब तो बस आराम से बैठिए और इस गर्मा गर्म स्नैक के मजे लीजिए। तो गाइस ये है पेरी पेरी, लेकिन चलिए उससे पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ मिलने वाले अलग अलग पानखी की प्राइस क्या है। इसके अंदर आपको क्लासिक पानखी जो है चीज वाला वो आपको आएगा 175 का। ओके। और ये जो पेरी पेरी है वो 165। और इसके अलावा यहाँ कई और तरह की पानखी भी मिलती है, जैसे कि पिंक पानखी है जो ग्रीन फ्लेवर में बनता है। ओके। उसके अलावा चीज बस पानखी है, उसके साथ में आपको एक्स्ट्रा चीज आएगा बस्ट होने के लिए गर्म गर्म, उसके साथ में आप सब होता है। उसके अलावा अगर आपको अरोमा मांगता है खुशबू के लिए तुलसी का, तो हमारे पास में इसका भी है, बेसिल पान की भी है। ओके, बेसिल पान की भी सही है, चलो भाई। फ्लेवर और अरोमा आता है। ओके। साथ ही इस शॉप की टाइमिंग और एड्रेस भी जान लेते हैं। सुबह 11 से लेकर रात को 11:30 बजे। यहाँ का एड्रेस हनुमान रोड है, अपोजिट टू नेचुरल आइसक्रीम, अपोजिट पार्ले ईस्ट में है ये। सुभाष नगर से नजदीक में है, इधर एक महिला सेवा संघ करके फेमस स्कूल है। हम जल्द लौटेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वी आर फूडीज को फॉलो करना मत भूलिएगा।